रिकॉर्डिंग। चलिए, ब्लड रिलेशन में हमने क्या सीखा था? नॉर्मल क्वेश्चंस लिया था हमने, राइट? कुछ बेसिक वाले क्वेश्चंस लिए थे। आज हम लोग थोड़े से मॉडरेट वाले क्वेश्चंस लेंगे। तीन जनरेशन, चार जनरेशन, दो चार मैरिड कपल होंगे उसमें, वो वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना जरा उसकी देख लेते हैं हम लोग। देन उसके बाद हम लोग ओल्ड वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, देन हम लोग पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलो मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे देख लो, देयर आर सेवन मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ थ्री जनरेशन इन विच थ्री आर मैरिड couples B who is sister-in-law of E and is married to A. B has only one son. He is क्वेश्चन हो चुका है सर। यस यस, ओल्ड स्टूडेंट के लिए हो चुका है, न्यू स्टूडेंट के लिए है ये। एफ इज चाइल्ड ऑफ ए। रेनू ट्राई करो, अगर हो गया है तो फट से बनना चाहिए। इज नॉट फीमेल मेंबर। अगर ये क्वेश्चन हो चुका है तो विदाउट फेल्ड वन अटेम्प्ट में बनना चाहिए। बाकी लोग ट्राई करना चाह रहे हो, ट्राई करो। सर वो सिस्टर इन लॉ ऑफ ई है ना? सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। ओके, देखो ये दो जनरेशन तीन जनरेशन वाले क्वेश्चंस आपको बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना अभी? नो सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सर? अनसर्टेन वाला आता है क्या एसएससी में? एसएससी में अनसर्टेन वाला जनरली तो स्क्वायर वाला आता है, सर्कल वाले आते हैं, लीनियर आता है, टू पैरेलल रो आता है, और अनसर्टेन वाला एसएससी में तो बोल नहीं सकते, लेकिन प्रिपरेशन करके रखो। एसएससी का पजल बहुत इजी होता है, दो तीन लाइन का तो होता है। एसएससी का मैथ इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग का रीजनिंग इम्पोर्टेंट है। नए स्टूडेंट है कोई यहाँ पे? नया कोई है? यस सर। यस सर। मेरा। यस सर। यस। वेरी फर्स्ट। यस सर, मे बी। एक कोमल एंड श्रेयस। श्रेयस, श्रेयस अब मॉर्निंग में भी थे ना? दिव्या। हाँ, मॉर्निंग में भी था। ओके। ये हमारा मिडल में चल रहा है, ऑलरेडी हमारा मिडल में है। ट्राई करना समझने, कोशिश करना, सभी लोग ट्राई करना। और वैसे भी हमारा कल का सेशन मॉर्निंग का जो होगा वो नया बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि एक घंटे का हमारा बाकी है कोडिंग डिकोडिंग वाला, पांच मार्क का वो कवर हो जाएगा। देन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, तब आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा कल से। ओके सर, थैंक यू सर। So try karo, there are seven members in a family of three generation in which there are three married couples. Try karo, bahut chota sa to hai. Renu mam bana ki nahi? Aapka hua tha na? Haan sir, done. Very good. Baki log copy to nahi kiya na piche se, pichle baar se? Nahi sir, main aisa rakhti hi nahi sir, maine sabka note banana band kar diya. Ab main direct question aise solve karti rehti hu. Sanyas lena shuru kar diya kya? Ki notes banana band kar diya, main sanyas le lungi, paar pe jaungi bas.
अरे नोट्स बनाया करो, काम आता है। नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है मैं बता रहा हूँ। नोट्स तो स्टार्टिंग में काम आता है, एक गो थ्रू करने के लिए काम आता है, 15 मिनट में गो थ्रू होता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वो मैंने बनाया है बट ऐसा अभी डेली से उसका नहीं बनाया मैंने, फर्स्ट टाइम के लिए बनाया था, बाद में कितने बार रिपीट हो गया, बनाते बैठेंगे तो सिर्फ बुक्स ही बन जाएगी सेम क्वेश्चन से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम ना बहुत भारी एकदम मस्त एकदम दबा दबा के लिखते हैं। हाँ एकदम स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से लिखते थे हम लोग, बनाया है नोट मैंने। और जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं क्या हो रहा है, चलो डॉक्टर राइटिंग आ जाता है सीधा, फिर सबके अंदर भूत डॉक्टर वाला आ जाता है। कोई भी पेज मिलता है, क्वेश्चन मिल गया, पेज मिल गया है, उसी में सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन की तो जरूरत ही नहीं फिर तो। हाँ वैसे ठीक है, अच्छी बात है। चलो सॉल्व करें हम लोग, क्या हम लोग सॉल्व करें? हाँ सर, हाँ सर। किसका भी नहीं बना, किसका भी नहीं बना, ओमकार आपका भी नहीं बना, सुनीता मैम आपका भी नहीं बना, क्या बन गया सर? बन गया। ओमकार आपका भी नहीं बना? नहीं सर, थोड़ा नहीं बना। अर्चना मेरा बन गया बट मुझे समझ नो सर नहीं बना। साक्षी आप तो फर्स्ट लेक्चर है ना आज आपका? मेरा वो बेसिक क्वेश्चंस का हो गया था, मैंने अटेंड किया था। फिर ठीक है, फिर बनना चाहिए, वेरी गुड। चलो रम्या का हो गया है, और होल स्टूडेंट में कौन है, तेजस्वी, उर्मिला, हर्षिता, अनिकेत, क्या हो गया, बना कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा बाकी है लास्ट, थोड़ा बाकी है, और एक मिनट ले लो, ट्राई करो, बनना चाहिए। तेजस्वी का हो गया है और अपेक्षा का भी हो गया, वेरी गुड, उर्मिला का भी हो गया है। और जो लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, जो लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ एसएससी का तैयारी ना करें, बैंक का भी करें, क्योंकि उनका बैंक इंक्लूड है, तो बैंक का भी करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर बैंक का एग्जाम आया तो बैंक में भी एग्जाम दे सकते हो, और एसएससी आया तो एसएससी का भी दे सकते हो, दोनों का प्रिपरेशन। फ्री ही दे पाएंगे, फिर बाद में मेंस के लिए बैंकिंग का भी वापस इतना सब पढ़ो वो थियोरी। नहीं नहीं ठीक है ना, अरे दो प्रैक्टिस तो करो, प्री निकला हाँ, निकला प्री के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा कि प्री में एग्जाम्स देके तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह वो सब समझ जाएगा ऐसे। तो प्री तो निकालो, मैं वही बोल रहा हूँ, प्री निकालना भी बहुत बड़ी बात है, निकालो तो सही, प्री निकालोगे ना तो आपको एक आइडिया आएगा, वो हेल्प करेगा आपको, अगर आपका टारगेट एसएससी है तो उसमें हेल्प करेगा, कोई भी चीज सीखी हुई उसमें काम आएगी आपको। प्री निकालना भी बहुत बड़ी बात है, एक बार प्री निकल गया आपका कॉन्फिडेंस देखना कितने लेवल पे हो जाएगा, फिर बहुत हाई हो जाएगा। चलो प्रियंका का भी हो गया, अनिकेत मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर हो गया, हो गया, चलो मैं रफ कर रहा हूँ। किसी को लिखना था क्या, किसी को लिखना था? नो सर, नो सर, सर लिख लिया, लिख लिया। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मिनट रुक जाओ मुझे क्वेश्चन निकालने का। देखो देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, मतलब टोटल 7 मेंबर हैं, टोटल 7 मेंबर हैं और 3 जनरेशन है, और जिसमें 3 मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल हो गए हमारे 3 यहाँ पे, टोटल मेंबर है हमारे 7 और जनरेशन है 3, ठीक है। देखो बोला कैसे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो बी हु बोला है, हु का मतलब होता है इमीडिएट पर्सन, जस्ट बिफोर इमीडिएट पर्सन और सेकेंड पर्सन, उसको बी हु मतलब उसको डिनोट करता है। डब्ल्यू एच के जितने भी आते हैं डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स, हु, होम, विच, ये डब्ल्यू एच वाले जितने भी आते हैं उसके जस्ट पहले वाले पर्सन को बोलते हैं, पहले वाले जस्ट पर्सन को बोला जाता है। तो किसकी बात चल रही है, वो किसको बोला है फिर आप बताओ जरा? सेकंड पर्सन ना, सेकंड पर्सन को बोलता है या इमीडिएट पर्सन? सेकंड पर्सन या जस्ट इमीडिएट पर्सन, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे
इमीडिएट पर्सन सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, एक ही पर्सन है बी, राइट। तो बात किसका करेगा, हु किसको बोला है, बी को बोला है। तो देखो कभी भी याद रखना हु, whom और विच आया, इसके पहले वाला जो वर्ड होगा जस्ट इमीडिएट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन उसकी बात होगी। तो whom और विच किसकी बात करेंगे, वो जस्ट इमीडिएट या सेकंड पर्सन की। बस इज तो आया तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को, और ये पूरे रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये क्लियर समझ में आया सबको, ये क्या बोला मैंने, हु whom विच और इज, ठीक है। देखो बी बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, हु किसको बोला है, बी को बोला है। बी जो है सिस्टर इन लॉ है, मतलब फीमेल होगी ना, सिस्टर इन लॉ, यस सर। और इसने शादी किया होगा किसी मेल पर्सन से, राइट, उसका भाई या बहन जो भी होगा, कौन है यहाँ पे, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। तो ई बी जो है वो सिस्टर इन लॉ है ई की, मतलब ई का भाई होगा उसकी वाइफ, उसके लिए क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी लगेगी ना, सिस्टर इन लॉ मतलब, बताओ, ठीक है। बट ई का जेंडर पता चल रहा है क्या यहाँ पे, नो सर, नो सर। तो आगे पढ़ो, बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई इज मैरिड टू ए, इज मैरिड टू ए, इज किसको बोला है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, बी, बी है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक्चुअली ए है, फर्स्ट पर्सन बी है। तो जो इज वर्ड जो लगाया है वो फर्स्ट पर्सन को लगाया, क्योंकि डॉट के बाद बी से वर्ड स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट पर्सन हमारा बी होगा, और यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा ई, और थर्ड पर्सन होगा ए। डॉट्स के बीच में काउंट करना है आपको, राइट। जैसे आपको बहुत लोग होते हैं कि काउंट नहीं कर पाते, सर फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन कैसे होगा। जैसे देखो डॉट लगाया है, फिर बोला है बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, बी, सेकंड पर्सन कौन होगा, ई, और उसके बाद किसकी बात चल रही है, ए की, तो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, स्टूडेंट बताइए समझ में आ रहा है, yes, sir. Yes, sir. देखो बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो गई, तो जेंडर पता चल गया, भाभी ने मतलब इसकी भाभी है ई की, ई की भाभी बी हो गया, तो सीधी सी बात है ई का कोई भाई होगा, उससे उन्होंने शादी किया होगा, देन वो ई का सिस्टर इन लॉ बी बनेगी, राइट। अभी देखो वहां पे पढ़ो, इज मैरिड टू ए, इज किसको बोल रहा है, मैंने जस्ट बताया था, इस किसको डिनोट करता है, फर्स्ट पर्सन कौन है वहां पे, बी है, बराबर। तो बी इज मैरिड टू ए, तो बी ने किससे शादी किया, ए से शादी किया, तो मतलब ई का भाई है ए, ए का वाइफ है बी, तो बी क्या लगेगी, ई के अनुसार क्या लगेगी बताओ, सिस्टर इन लॉ, एग्जैक्टली। बट ई का जेंडर पता चला कि हमें यहाँ पे नहीं। एज इट इज इसको रखो, आगे काम आएगा। डी हैज ओनली वन सन, डी को एक ही बेटा है, बट बताओ मुझे डी का यहाँ पे बात चल रहा है क्या, नहीं है, नहीं। डी हैज ओनली वन सन, तो डी को यहाँ पे लिख लो कि डी को एक ही बेटा है, तो ये एज अ क्लू यहाँ पे लिख लो कि डी को एक ही बेटा है। आगे बढ़ते हैं, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, जी सी और जी यहाँ पर है क्या, मुझे बताओ जरा, नहीं है, नहीं है। तो इसको भी एज अ क्लू लिख लो, सी है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ किसका है, जी का, मतलब देखो सी का कोई बेटा होगा या फिर बेटी होगी, राइट, उससे जिसने शादी किया होगा जी ने। अब जी का जेंडर पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, बट ये पता चल गया कि सी जो है जी का फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ, तो सी का जेंडर पता चल रहा है ना कि ये मेल होगा, राइट, पता चल रहा है कि नहीं, मुझे बताओ, हाँ सर, ठीक है। तो सी जो होगा मेल होगा, बट उसका बेटा है या बेटी है वो पता नहीं है, जी मेल है या फीमेल है ये पता नहीं है, बट ये पता है कि इसमें लिखा है क्लियरली कि सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, तो सी फादर इन लॉ है, मतलब सी का जेंडर पता चल रहा है, बट जी का जेंडर अभी तक पता नहीं है। तो एज अ क्लू, सेकेंड क्लू इसको एज अ रख लो, जब भी कुछ क्लू मैच होगा उसको हम लोग पुट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एफ इज चाइल्ड ऑफ ए, बट देखो ए यहाँ पर है ना,
ए है या नहीं है यहाँ? हाँ सर है, सर है। डायरेक्टली एफ को लिख लो, डायरेक्टली एफ को यहाँ पे मेंशन कर लो। बट बताओ मुझे, एफ इज द चाइल्ड ऑफ ए, बट एफ का जेंडर पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे? नहीं नो सर। ठीक है, G is not a female member. G is not a female member. It means G is a male member, right? So G क्या हो जाएगा? Male member हो जाएगा कि नहीं? मुझे बताओ। Yes, male होगा। Male होगा, तो male किससे शादी करेगा? Female से? Female से। Female से शादी करेगा। तो female शादी करेगा मतलब C का बेटी है, बेटी ने G से शादी किया। बट देखो अभी हमें यहाँ पे पुट करना है। अब बात को यहाँ पे क्लू मिला, अब इसको पुट कैसे करें? एक्चुअली देखा जाए तो इसको इसमें मैच करना है। बट आप ध्यान दो, टोटल मैरिड कपल कितना चाहिए था? तीन। बट देखो हमें कितना मैरिड कपल मिला? एक, दो। एक्चुअली में तो दो मिला ना? यस। हमें चाहिए कितना? तीन चाहिए। तीन। ठीक है, तीन जनरेशन होना चाहिए, मतलब तीन जनरेशन बैठना चाहिए। तो एक जनरेशन दो जनरेशन तो हो गया, तो तीसरा जनरेशन या तो ऊपर आएगा या तो तीसरा जनरेशन नीचे आएगा। बरोबर, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा? हाँ सर, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, अभी इसको पुट करने की कोशिश करो। डी हैज ओनली वन सन, डी हैज ओनली वन सन, तो इसमें से देखो जरा एक ही बेटा कौन सा नजर आ रहा है? ए। एक बार क्लू को यहाँ पे बिठा के देखते, जस्ट एक बार क्लू को बिठा के देखते, मुझे पता नहीं है क्या है। D has only one son, ऐसा imagine कि पता नहीं क्या है। तो D has only one son, तो D को एक यहाँ पे put कर लिया हमने, ठीक है? और बोला है कि C का बेटी है और उसकी बेटी ने G से शादी किया है। तो imagine करो अगर मैं C यहाँ पे ले लेता हूँ for example, तो C का बेटी कौन होगा? कौन होगा? बी। बी होगा। बी। मैं बी का शादी जी से करा सकता हूँ क्या? नो। नहीं। तो ऑलरेडी ए से हाँ हुई। दो बार शादी हो गया, तो दो बार शादी बैंकिंग में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे दो बार शादी बैंकिंग में अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब बेटी को यहाँ पे रखना है, ठीक है? अब क्या कर सकते, ये तो होगा नहीं। अगर इसको रखेंगे, इसको अगर बेटी बना दिया, तो सी तो कोई कंडीशन में ऊपर होगा नहीं। होगा क्या मुझे बताओ? क्योंकि ऑलरेडी ए और बी उसके फादर और मदर हैं, तो दो बार फादर तो होगा नहीं, अलाउड नहीं है बैंकिंग में, ठीक है? बट सर सी तो फादर इन लॉ है ना? कहाँ, अरे हाँ, तो एक ही बात हो गया ना, तो उसकी बेटी कौन हुई? अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, एफ को यहाँ पे ले लिया, बेटी बेटी इमेजिन कर, जी तो ऑलरेडी बैठा हुआ, उसका जगह तो चेंज होगा नहीं। अगर मैंने एफ को यहाँ पे ले लिया, बेटी समझ लिया, सपोज करो बेटी समझ लिया, जी की शादी करा दी एफ से, बट उसका फादर कौन है? सी है ना एक्चुअल फादर। यस। बट यहाँ पे फादर कौन बन रहा है? ए बन रहा है। ए बन रहा है। ए बन रहा है। ई को बना सकती है, ई को। तो ए यहाँ, ये तो होगा नहीं। अब बचा कौन? ई। तो देखो ई को एक बार बेटी बना दो और शादी कर देते हैं जी से, तो जी यहाँ पे आ जाएंगे, और ई का फादर कौन हो गया? सी हो गया। बट एक बात बताओ, यहाँ तक परफेक्टली बना कि नहीं बना? बना। हाँ बना। ठीक है, अब देखो कितना मैरिड कपल चाहिए? तीन। थ्री। एक मैरिड कपल यहाँ पे है, एक मैरिड कपल यहाँ पर है, तो ये वाला मैरिड कपल ही बनेगा ना, क्योंकि देखो हाँ। ये दोनों क्या है? भाई बहन है, बरोबर ना? और भाई बहन है, फॉर एग्जाम्पल रोहित और राहुल, ये दोनों भाई है, मतलब मैं और मेरा भाई है, ठीक है? राहुल के डैडी का नाम है विजय, और यहाँ पे सपोज करो रीता नाम लिखा है, मॉम का नाम है रीता, ठीक है? अगर राहुल का डैडी विजय है, तो रोहित का भी डैडी विजय होगा ना? यस सर। सेम थिंग, अगर ए और ई भाई बहन है, तो ई का फादर सी हुआ, तो ए का भी फादर सी होगा ना? हाँ सर। नहीं होगा? होगा सर, होगा होगा। मैं बोला कौन है? नहीं होगा बोल रहा है, देखो है। तो अगर ए का फादर सी होगा, तो ए का फादर सी होगा, तो फादर ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये कौन हो गया? मदर हो गया, मम्मी हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना कपल चाहिए था? तीन। तो देखो एक दो तीन मैरिड कपल हो गए,
टोटल मेंबर 7, काउंट करो, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ये एफ वाला, ठीक है, ये हो गया 7। 3 जनरेशन चाहिए था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो ये हमारा बना कि नहीं बना? यस था, बन गया ना सर। किसी को डाउट है इसमें? ऐसा कुछ है, कोई इसको समझा नहीं सर? ये बट ये एक्सप्लेन कर दीजिए ना वापस से। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाए रखता हूँ और उसको बनाए हुए एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में देखो लिखा है, देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन इन विच 3 आर मैरिड कपल। ठीक है, यहाँ पर बोला है बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। बी जो है भाभी है ई की, तो देखो यहाँ पे बी भाभी बन रही है ई की। इज मैरिड टू ए, इस किसको बोला है? बी को बोला है। तो ए ने शादी किया बी से और बी जो है भाभी है ई की, तो सेम जनरेशन में आएंगे। किसने डाउट पूछा था? यस सर। निशा आपने पूछा था ना? यस यस। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस सर। डी हैज ओनली वन सन, तो डी को देखो एक ही बेटा है, तो एक ही बेटा हुआ कि नहीं यहाँ पे? दूसरा कौन है? बेटी है, राइट? यस यस। सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, देखो सी जो है फादर इन लॉ हो रहा है जी का। क्यों जी का फादर इन लॉ हो रहा है? क्योंकि जी जी से शादी किसकी हुई है? ई की, और ई का फादर कौन है? सी। तो अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? वो सी फादर इन लॉ बनेगा जी का, तो ये कंडीशन भी हो रहा है सेटिस्फाई। एफ इज चाइल्ड ऑफ ए, एफ जो है वो चाइल्ड है ए का, एफ जो है चाइल्ड है ए का, तो यहाँ पे भी हो रहा है वो। जी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, तो जी इज अ फीमेल मेल मेंबर, तो ये कौन हो गया? फीमेल मेंबर। और ये ऊपर आया करके आपस में ये कपल बन गए, ठीक है। अब क्लियर, किसी को डाउट है इसमें अभी तक? किसी को डाउट है प्लीज बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ। रिलेशनशिप ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सी विद रिस्पेक्ट, अरे यार तो क्वेश्चन नहीं है। फादर इन लॉ क्वेश्चन में ही दिया, क्वेश्चन भी क्वेश्चन कर दिया, कमाल कर रहे हैं। ये हिंदी में क्यों आ रहा है? ये हिंदी में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि के एफ से विवाहित है तो के बी से किस प्रकार संबंध है? यदि के एफ से विवाहित है, अगर एफ से मैरिड है के, तो के बी से किस प्रकार का संबंध है बताइए। इफ इफ मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, ये हिंदी में आ गया गलती से। इफ के इज मैरिड टू एफ, देन हाउ के इज रिलेटेड टू बी? जेंडर पता चला है आपको? क्यों मेल है कि फीमेल है? तो कैसे बना दिए? तो पहले बोला था ना मैंने, जब भी जेंडर नहीं पता चले तो क्या करना है? कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड नहीं हो रहा है तो ये नहीं बनेगा। अच्छा, अब सपोज करो हु इज द फादर इन लॉ ऑफ फादर, हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ, हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ बताइए। सी। हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी? क्या सर? सर क्या पूछा? ई आएगा। ई चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप करोगे सॉल्व? दे दीजिए। एक काम करता हूँ, ओल्ड से लेता हूँ, ओल्ड वाले से रुको, दो मिनट दो, रिवर्स में लेता हूँ, रिवर्स में आएगा ना तो
अच्छा रहेगा, नया नया क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन ले चुका हूँ मैं काफी टाइम, नए क्वेश्चन लेता हूँ। चलो रफ कर दो इसे, मैं क्या मैं इसे रफ कर दूँ? हाँ सर। चलिए नया क्वेश्चन लेता हूँ। रेनू मैम होना की गए, रेनू मैम है कि गायब हो गई? कोरोना की जय। कोरोना नहीं है रेनू मैम। एक मिनट रुको, रेणु वर्मा है कि गए? गए गए। चलो ये हवा के झोंके हैं, आते हैं और जाते हैं, एक दो शब्द सोच करके चले जाते सर हम लोग। आपका आवाज कट होते भी इसमें। अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है, इसके लिए कोरोना सुनाई दी। ये हवा के झोंके की तरह आते हैं चले जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन हाँ, एट मेंबर ए बी सी डी ई एफ जी एल एच आर लिविंग इन दी थ्री जनरेशन फैमिली एफ इज दी मदर ऑफ एच हु इज मैरिड D is the brother-in-law of A. G is the paternal grandmother of H. D has only two sons. He is the son-in-law of V. Number of male is equal to the female in the family. D is not the husband of F. सॉल्व करिए, कोशिश करिए। हाँ जी मैम। सर वो जी इज दी क्या लिखा है उसके बाद? जी इज पैटर्नल। पैटर्नल मतलब होता है पापा के साइड। और वो सेकंड लाइन में लिविंग लिखा है ना, लिविंग इन द थ्री जनरेशन। हाँ लिविंग इन थ्री जनरेशन, या फिर बोल सकते हैं तीन जनरेशन का है ये फैमिली ट्री। थोड़ा सा ट्रिकी है, आराम से सॉल्व करना।
किसी का बन रहा है? कोई है? किसका बन रहा है? एक एक लाइन पढ़ो और उसको पुट करते हुए चलो, डेफिनेटली बनेगा। है कोई जिसका बन रहा है? आवाज आ रही है ना मेरी कि गायब हो गई आवाज? नहीं आ रही सर। हाँ सर ट्राई कर रहा है। ओमकार बन रहा है? हाँ सर क्लू बिठा रहा हूँ। इतना मैम बन रहा है क्या? हाँ सर। दो मिनट और ले लो, उसके बाद ट्राई करेंगे। अगर नहीं बन रहा होगा तो भी बताइए, बन रहा है नहीं बन रहा है, कहाँ पे अटके हो। अरे बाबा ओल्ड स्टूडेंट, बन रहा है कि नहीं? हमारे शार्प शूटर लोग किधर गए? बन गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। ओमकार, अर्चना, अनिकेत ट्राई कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे कर रहे। कर्तव्य, प्रियंका, तेजस्वी, उर्मिला सर आप लोगों का बनना चाहिए। हो गया? वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व करूं। यस सर। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरी आवाज सर एक बार क्वेश्चन बता दो ना तो मैं टैली कर लूंगा एक बार। क्या बोल रहे हो अनिकेत? अनिकेत क्या बोल रहे हो? बता देते तो मैं टैली कर देता। गलत है वो। क्वेश्चन बताऊं क्या? Who among the following is the brother-in-law of F? F का brother-in-law कौन है? C. मुझे पता नहीं, यहाँ पे C का option भी है। A option है, B है, D है, C है। बाकी लोग से match करो जिसका हुआ है। सुनीता मैम क्या answer आया आपका? C आ रहा है क्या? हाँ sir। तो correct होगा, correct होगा। Thank you, sir. चलो मैं rough कर दूँ? क्या मैं rough कर दूँ? अपने से बात कर रहा। चलो बोला है 8 मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8 है। 3 जनरेशन है और कुछ मैरिड कपल वगैरह दिए नहीं। चलो यहाँ पे बोल रहा है एफ इज द मदर ऑफ एच। एफ क्या है? मदर है। किसका मदर है?
एच का मदर है। अब देखो हु इज मैरिड, हु मतलब किसको बोला है, एच को बोला है एफ को बोला है? एच एफ नहीं नहीं एफ को नहीं बोला है, एच को नहीं। डब्ल्यू एच जो होता है वो जस्ट इमीडिएट पर्सन की बात करता है या तो सेकंड पर्सन की बात करता है। यहाँ पे सेकंड पर्सन भी एच हो रहा है और इमीडिएट पहले वाला भी पर्सन भी एच हो रहा है, तो एच की बात कर रहे हैं। तो बोला है कि एच ने शादी किया है, बट किससे किया है पता नहीं, वो मेल है या फीमेल है, ये खुद भी मेल है या फीमेल है ये पता अभी तक नहीं चला है, बट ये मैरिड है जिसके मैंने ये बना के छोड़ दिया। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। डी इज दी ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, डी क्या है ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ मतलब मेल होगा और ए का ब्रदर इन लॉ, तो क्या होगा ए का सिस्टर से शादी किया होगा किसने, डी ने, तो ए के अकॉर्डिंग डी ब्रदर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। यस सर। यस सर। हां सर। देखो डी और ए यहाँ पर है क्या कहीं पे भी पुट करने के लिए? नहीं है। नहीं है ना, ठीक है इसको एज इट इज क्लू में रख लेते हैं। और बोला है डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच, जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच, पैटर्नल मतलब होता है पापा के साइड से, तो बोला है जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो जी क्या है ग्रैंड मदर होगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर, बट ये देखो ये कौन है, ये उसका मॉम है, मॉम है ना राइट। तो एक कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, ये बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, इसका आवाज प्लीज नोट कर दीजिए। जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ, देखो पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब क्या हो गया, ये इनका फादर होगा, ये मॉम भी हो सकता है शायद नहीं भी हो, हो सकता है, तो ये एच यहाँ पर आएगा राइट, ऐसी होगा। और मैं एफ को यहाँ पे ले लेता हूँ, एफ को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एफ का जो हस्बैंड होगा उसका मॉम होगा जी, तो जी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर हुआ कि नहीं, पैटर्नल मतलब होता है पापा के मम्मी, तो एच के अकॉर्डिंग पापा के साइड की मम्मी होंगी ग्रैंड मदर। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? yes, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नहीं सर। चलो अब देखो डी और ए कहीं पे भी मैच हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा ना, एज अ क्लू इसको एज इट इज रखो। डी हैज ओनली टू सन, डी को सिर्फ दो बेटे हैं, डी को सिर्फ दो बेटे हैं, उनको बेटियां नहीं है दो बेटे हैं, डी हैज ओनली टू सन, तो डी को दो बेटे हैं। अगर आगे बोला है ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ई जो है सन इन लॉ है किसका, बी का, तो देखो कोई भी क्लू परफेक्टली मैच हो रहा ही नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला ई इज द सन इन लॉ, ई जो है सन इन लॉ होगा, किसका सन इन लॉ होगा, किसका सन इन लॉ होगा, बी का, बी का। देखो बी का कोई बेटी होगा, बेटी ने शादी किया ई से, तो ई सन इन लॉ बन गया बी का। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जो इसको यहाँ पे पुट करने से मैच हो रहा, मतलब बी और ई यहाँ पे नहीं है, डी और ए यहाँ पे नहीं है कि हम लोग यहाँ पे पुट करें, तो हम लोग क्या करते हैं इसको एज इट इज रखेंगे, बाद में इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। देखो नंबर ऑफ अ मेल इज इक्वल टू द फीमेल इन द फैमिली, मतलब अगर कितने मेंबर है यहाँ पे टोटल पता नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब चार फीमेल होंगे चार मेल मेंबर होंगे, टोटल मेंबर है आठ, तो चार फीमेल होंगे चार मेल होंगे, क्योंकि बोला है जितने फीमेल हैं उतने ही नंबर ऑफ मेल होंगे राइट। अब आगे बढ़ते हैं, डी इज नॉट द हस्बैंड ऑफ एफ, डी जो है वो एफ का हस्बैंड नहीं होगा, डी जो है एफ का हस्बैंड नहीं होगा। अब बिठाते हैं इसको, चलो। हेलो सर, एफ उस साइड लिया है सर, एफ उधर लिया है ना आपने? हाँ क्या, एक मिनट वन बाय वन क्या बोल रहे हो हर्षिता मैम बोलो। हाँ मतलब अपने वो डायग्राम बनाया ना उधर एफ लिया है ना? हाँ यहाँ ये वाला नहीं नहीं वो साइड का कॉर्नर का। हाँ एफ लिया मैंने यहाँ पे। हाँ सो वहाँ का मतलब डी उसका हस्बैंड नहीं हो सकता ना मतलब? अब तो मैंने वही लिया ना क्लू में, देखो ना डी के जस्ट बाजू में एफ लिखा, एफ के ऊपर क्रॉस मार्क किया कि मतलब एफ जो है वो एफ का हस्बैंड डी नहीं होगा। ओके तो एक ही बात है वो ये लो फाइनल फाइनल डायग्राम तो मैं इससे ही बनाऊंगा, ये एक दो तीन मेरा क्लू है, अब इसको बिठाना कैसे तो देखो। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलो ना।
हाँ आपने सेकंड लाइन में देखो ना वो लिखा लाइक डी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए ना, किधर सेकंड लाइन में डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ब्रदर इन लॉ है। अच्छा ओके ठीक है, डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है चलो अब सॉल्व करें हम लोग। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जो यहाँ पे हम लोग फाइनल डायग्राम में पुट करें, बट देखो यहाँ पे देखो ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि इतना कुछ काम नहीं है। देखो ये हमारा इसको लेके चलेंगे और ये जो हमारा क्लू है देखो तीन जनरेशन है टोटल मेंबर्स हैं एट। अब इसको पुट कैसे करें, पुट करने का तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल डी क्या है, शादी नहीं कर रहा है एफ के साथ, तो क्या डी यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऊपर आएगा। हम लोग दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, देखो ये हो गया जी, ये सेम डायग्राम एज इट इज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी में कैसे वो एलिमिनेट हो जाएगा वो देखने के लिए, ठीक है। देखो डी जो है एफ से शादी नहीं करेगा तो डी तो यहाँ पे आने वाला है नहीं, ठीक है। अगर सपोज करो अगर मैं डी को ऊपर लेता हूँ और एक बार डी को नीचे लेता हूँ, एक बार डी को नीचे लेता हूँ, तो सपोज करो यहाँ पे देखो यहाँ पे बुक दिख रहा है प्रॉपर, यस सर। देखो अगर मैं डी को यहाँ पे ले लिया, फॉर एग्जाम्पल डी को यहाँ पे ले लिया मैंने, इमेजिन करो, तो एक बार ध्यान दो H इज द मैरिड कपल, H इज द मैरिड कपल बोला है ना, अगर मैं D को यहाँ पे लिया तो बट D सपोज करो यहाँ ये F को निकाल देता हूँ यहाँ पे, D को यहाँ पे ले लिया मतलब ये मैरिड कपल है तो D क्या है मेल है, तो मेल बना लो, तो ये क्या बन जाएगी ऑटोमेटिकली फीमेल बनेगी ना। और यहाँ पे देखो दो बेटे हैं D के तो कितना जनरेशन बन गया, जनरेशन कितना चाहिए था, तीन चाहिए था बस चार बन गया, चार बन गया यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, डी मतलब नीचे नहीं आएगा, ये तो कंफर्म होगा, ठीक है डी जो है नीचे नहीं आएगा। तो एक बार डी यहाँ पे तो डी आएगा नहीं, मतलब डी नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा नहीं, अब ऊपर डी को बिठा के देख लो। चलो एक काम करते हैं डी को ऊपर बिठा लेते हैं, तो डी का शादी करा लेते हैं एक बार जी से, ठीक है एक बार डी का शादी करा दिया जी से, और डी के पास दो बेटे हैं, ठीक है एक बेटा तो ये हो गया और दूसरा इमेजिन करो यहाँ पे बेटा एक हो गया, दो बेटे हैं ना डी को, अभी जी उसका वाइफ है तो ये दोनों बेटे ही होंगे ना उसके, डी के भी बेटे बन जाएंगे होंगे कि नहीं मुझे बताओ, होंगे ठीक है। डी जिसे शादी किया उसका ये भाई है बहन है पता नहीं, इसको यहाँ पे ले लो ए को, ए हो गया, अब यहाँ तक तो पुट हो रहा है फिलहाल तो पुट हो रहा है। अब आगे देखो बोला है कि बी का एक बेटी है उसे शादी किया है जी ने, तो एक बार देखो यहाँ पे अगर मैं बी को यहाँ पे ले लेता हूँ तो बी का बेटी अगर मैं इसको बना दूँ, इसको बना दूँ फीमेल और ई को मेल बना दूँ, यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ मैं, कि बी का बेटी है फीमेल और उसने शादी किया है ई से, ई हो गया ऑटोमेटिकली मेल, तो ये हमारा ऑलमोस्ट बैठ गया है। तो वापस से क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन उड़ गया मेरे पास से। डी स्टार्टिंग से पढ़ो कि डी एट मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर लिविंग इन ए थ्री जनरेशन फैमिली, एफ इज अ मदर ऑफ एच हु इज मैरिड, एफ इज द मदर ऑफ एच हु इज मैरिड, ठीक है F ने मैरिड किया, ठीक है आगे बढ़ो। D is a brother in law of A. सेटिस्फाई हो रहा है, आगे पढ़ो। G is a paternal grandmother of H. कौन कौन कौन? G is a paternal grandmother. ठीक है मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, चलो आगे बढ़ो। D has two only two sons.
दे हैज ओनली टू सन, चलो यहाँ पे टू सन, ये यहाँ पे बी और एक बच्चा है, दूसरा नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, चलो आगे बढ़ो. ई इज अ सन इन लॉ ऑफ बी. ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी, चलो हो गया, परफेक्टली मैच हो रहा है. नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू फीमेल इन ए फैमिली. देखो नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ मेल, देखो मेल कितना हो रहा है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, मेल कितना हो रहा है देखो, वन टू थ्री फोर, तो फीमेल कितना होगा, वन टू थ्री, और ये भी हो गया ऑटोमेटिकली फीमेल. समझा आपको स्टूडेंट, बताइए. Awesome. मेल मेंबर है उतने ही फीमेल होगा, तो मेल कितना है, काउंट करो, बॉक्स वाला हमारा मेल होता है ना ऑलवेज, तो देखो वन टू थ्री फोर, चार मेल है तो वन टू थ्री, और ये इसका हमें पता नहीं था जेंडर, तो ये हमने इसको फीमेल बना दिया क्योंकि चार मेल चार फीमेल, क्योंकि टोटल आठ ही मेंबर थे, तो सीधी सी बात है कि जितने मेल होंगे उतने फीमेल होंगे, तो चार चार ही होंगे. चलो आगे पढ़ो. डी इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ एफ. डी इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ एफ से सीधी सी बात है, डी को अगर एफ का हस्बैंड नहीं, जी का बन रहा है. अब बच्चा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो, क्या नाम है, सी. सबका ऐसे बना था क्या, सबका ऐसे बना था, थोड़ा डिफरेंट है. हां सर, सबका ऐसे बना था. नो सर, थोड़ा डिफरेंट था. थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन समझ में आया कैसे बना और कैसे क्लू को पुट करना है, समझ में आया क्लू को कैसे पुट करना है. यस सर. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर. चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं. Who is the father-in-law of B? Sorry, who is the father-in-law of F? F का father-in-law कौन होगा? D. 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 B या D? D. 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 अच्छा कितने लोग B बोल रहे हैं? B और D में confusion हो रहा है. B कोई बोल रहा है क्या? B हाथ ऊपर करो. मतलब हाथ ऊपर करो means बोलो नाम बोलो. B B B for Bombay. बॉम्बे कोई बोल रहा है? साक्षी बोल रही है बी, और निशा नहीं सर, नहीं बी नहीं, डी. अच्छा डी, और डोनाल्ड ट्रंप वाला ना, डी. ठीक है, डोमिनोज वाला. चलो देखो पूछा है हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ. एफ का फादर इन लॉ होगा डी. हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ. सी. 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 Who is the granddaughter of G? Who is the granddaughter of H. ये कैसे होगा? Grandson होगा ना ये? ये तो grand नहीं, male है ना? Grandson होगा ये. ये daughter होगा. अच्छा. Who is the daughter? ही पूछा ना? हाँ daughter ही पूछा मैंने, किसी ने daughter ही पूछा आपने? हाँ मैंने daughter ही पूछा, तो किसी ने ये बोला, तो वही बोला मैंने कि ये मेल है तो मतलब ग्रैंड सन होगा और ये ग्रैंड डॉटर. और बताओ हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. ए. 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 आया किसी को डाउट है? चलो सब कर दो इसे, मैं कि नोट डाउन करना है सर, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूँ. हो जाएगा तो प्लीज बताइए, तो हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलेंगे. डन सर. ओके डन. चलिए इसे रब कर देते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं. मैं रब कर दूं?
सबको समझ में आ रहा है ना? नए स्टूडेंट को छोड़ के नए स्टूडेंट को छोड़ के, क्योंकि उन्हें नहीं समझेगा, उनका बेसिक हुआ नहीं, फिर भी वो कोशिश करें समझने के लिए। वैसे भी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें उनका नया चैप्टर स्टार्ट होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, देयर आर सेवन मेंबर्स इन अ फैमिली इन विच टू आर मैरिड कपल, he is grandmother of M, W is father-in-law of D, V is mother of E, N is brother of M, and his mother is E. N and M are unmarried. चलिए सॉल्व करिए। Sir, done. Very good. Sir, सिर्फ दो ही unmarried couple है क्या? दो फिर डन सर। वेरी गुड, देखते हैं बाकी लोग का। नहीं समझ रहा है, ये तो बहुत छोटा सा है, पिछले बार वाला थोड़ा ट्रिकी था, ये तो इजी है। अर्चना, अनिकेत, डन सर। कृतिका का हो गया, वेरी गुड। कर्तव्य, प्रियंका का डन। ओके अर्चना, पहले वाला मैसेज है। उर्मिला, तेजस्वी, हाँ डन सर। नो सर, डन। ओके, बनाओ बनाओ। उर्मिला, तेजस्वी हो गया,
हाँ हो क्या? नो सर हाफ हुआ है. पूरा करो हाफ से काम नहीं चलता. सर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसके ऊपर. आप बना लो फैमिली ट्री, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग लेंगे. चलो मैं सॉल्व करूं. यस सर. चलिए मैं रफ कर दूं इसे. क्या मैं रफ कर दूं इसे? यस सर. चलिए क्वेश्चन पढ़िए. There are seven members in a family in which are married couples. P is the party. P is the grandmother of M. P is the grandmother of M. देखो E का या तो फिर कोई बेटा होगा. Sir P P P. Okay. P is the grandmother of M. मतलब P का कोई बेटा होगा या बेटी होगी. M उसका M का grandmother होगा. मतलब या तो इधर बेटी आ सकती है या तो फिर बेटा आ सकता है. बट हमें पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैंक रखेंगे स्पेस को. तो P is the grandmother of M. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट है इसमें? नो सर. W is the father-in-law of D. W is the father-in-law of D. देखो D W का या तो कोई बेटा होगा या कोई बेटी होगी. W is the father-in-law of D. But हमें पता नहीं है कि W का या कोई बेटा है या बेटी है. इसके लिए हम लोग gender D का बता नहीं पा रहे कि वो male है या female. तो as a clue हम लोग यहाँ पे रखेंगे. इसके लिए clue रखेंगे क्योंकि W और D यहाँ पर नहीं है, इसके वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एज अ क्लू यहाँ पे रख लिया हमने. चलिए आगे बढ़िए. V is the mother of E. V is the mother of V. V. V sir V. V Viraj. E. E. E ना? हाँ सर. ठीक है. V है मॉम, E का मॉम है. बट E और V कहीं पे भी है क्या दोनों में? नहीं है. नहीं. तो ऐसा क्लू रखेंगे इसको. चलो आगे बढ़ो. N is the brother of M. N is the brother of M. Right? M बोला है ना? हाँ. तो देखो यहाँ पे M दिया है तो डायरेक्टली पुट कर लो. N is the brother of M. चलिए आगे बढ़िए. And his mother is E. M is the brother of N and he is and his mother is E. His mother. His मतलब कौन हो गया? ये male हो गया. एक मिनट रुको. Question पढ़ो फिर से. Question देखो. Question पढ़ो. Sir N की मम्मी ना. एक मिनट एक मिनट एक मिनट पढ़ो. Question पढ़ो पूरा. N is the brother of M and his mother is E. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. N is the brother of M. M. And his mother is E. Mother. Is E right? E. Yes. अब देखो यहाँ पे N is the brother of M. N भाई है M का तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे पुट कर लिया. अब एंड किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट सर. फर्स्ट पर्सन ना. फर्स्ट को. फर्स्ट पर्सन को बोल रहा है. तो N mother N is the अरे यार N is the brother of M and his mother is E. His मतलब कौन हो गया? N हो गया. Right?
एंड हिज मदर इज ई, तो इसका मदर होगा ई, तो ई इसका मदर होगा, तो ये वी दो बार कैसे आ गया, ठीक है. एन इज द ब्रदर ऑफ एन, एन इज द ब्रदर ऑफ एन एंड हिज मदर, एंड हिज मदर बोले तो एन ही हो गया, इज ई, ठीक है, इसको ई को अगर इसका मदर हो गया ई, मदर हो गया तो ठीक है ना सर. बीच में एक शायद से लाइन वो भी है ना सर, वी भी है, वी द मदर ऑफ ई. एक मिनट एक मिनट, अगर इसका एक एक बात समझो, एन इज द ब्रदर ऑफ एम, एन भाई है एम का एंड हिज मदर इज ई, तो इसका हिज मतलब बात कर रहा है, हिज मतलब होता है बॉयज के लिए यूज होता है, तो हिज मतलब हो गया एन, एन की बात चल रही है और एंड भी एन को डिनोट कर रहा है, तो एन का एन हिज मदर इज ई, तो इसका मदर होगा ई, तो यहाँ पे मदर हो गया, तो ये मेल हो गया, मतलब यहाँ पे मैरिड बोला था ना राइट, तो यहाँ पे ई को ले लेंगे मॉम, तो मॉम का ऊपर ये इसका यहाँ पे कौन है, मॉम कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा राइट, होगा कि नहीं मुझे बताओ, समझ में आ रहा है कि क्या है, यहाँ तक किसको डाउट है, फिर से रिपीट करूँ, नहीं सर नहीं, देखो फिर से रिपीट करूँ सर, एक बार फिर इतना पता था हमें, और डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ सॉरी डब्ल्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, इतना पता था, V is the mother of E, इतना पता है, ये क्लू से इतना समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है N is the brother of M, तो N को ब्रदर बना लो क्योंकि डायरेक्टली दिया है, N is the brother of M, and or is always denote करता है फर्स्ट पर्सन को, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, N है ना, तो बोला है and his mother is E. अब सपोज करो कि इसका मॉम अगर मैं E यहाँ पे लेता हूँ, करो E यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो E का मॉम कौन होगा, V होगा ना, होगा कि नहीं, ये क्लू से E का मॉम कौन होगा, V होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, बट यहाँ पे देखो कौन हो रहा है, P हो रहा है ना, P, बट यहाँ पे अगर सपोज करो P हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना, E यहाँ पर आ जाए मॉम और ये उसका फादर हो जाए, तो फादर का मॉम P हो जाए और E का मॉम V हो जाए, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि नहीं, तो देखो तो यहाँ पे इसका बेटा हुआ कि नहीं, एन हुआ ना, एन हिज मदर इज ई, हुआ कि नहीं मॉम, स्टूडेंट्स बताइए सर, एंड इमीडिएट पर्सन को भी डिनोट करता है ना, नहीं नहीं नहीं, देखो डब्ल्यू एच वाले जितने भी होते हु होम विच, ये जस्ट इमीडिएट पर्सन को डिनोट करता है, या फिर इमीडिएट या फिर सेकंड पर्सन, एंड is always first person को denote करता है, याद रखना इस बात को, तो यहाँ पे एंड की बात कर रहा, अगर एंड में नहीं भी दिया होता ना, तो his word लगा दिया इसमें, his मतलब बात चल रही है, एंड की ही बात चल रही है यहाँ पे, his मतलब लगा दिया, एंड की ही बात चल रही है, तो देखो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ जरा, किसी को समझ में नहीं आया सब कुछ, समझा समझा सर, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो, एन एंड एम आर अनमैरिड, एन एंड एम, एन और एम भाई बहन अनमैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है आगे पढ़ो, दोनों मैरिड नहीं, ठीक है जानते हैं, इतना ही है, हो गया इतना ही है, ठीक है, तो देखो अब ये मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी रफ कर देता हूँ, अब ये हमारा क्लू को बिठाना है राइट, जनरेशन मेंशन किया है क्या यहाँ पे, नहीं टोटल मेंबर दो कपल चाहिए, टोटल मेंबर्स हमारे पास 7 होना चाहिए, तो देखो दो कपल की बात चल रही है, तो अगर एन और एम तो शादी नहीं करेंगे, और अब यहाँ पे बिठाने की कोशिश करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे इसको मैं क्लू कैसे बिठा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यू को मैंने यहाँ पे ले लूंगा, अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ
अगर मैं W को यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे शादी करा दिया W का, ठीक है, तो W के नीचे कौन आएगा, कोई तो आएगा, उसका शादी होगा D से, उसका शादी होगा D से. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पे शादी करा दिया D से, इमेजिन करना. अब टोटल मेंबर कितना चाहिए था, सेवन. सेवन करो कितना मेंबर हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हो रहा है ना. तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे शादी कराना, नहीं नहीं. अगर सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे W ले लिया, इमेजिन करो, तो अगर ये जो है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे जो D दिया है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे अगर मैं D लेता हूँ तो क्या, तो फादर बन जाता है, फादर इन लॉ. वही मैं बोल रहा हूँ, तो D यहाँ पे फादर इन लॉ चाहिए था, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, फादर बन रहा है. तो इससे ये समझ में आएगा कि W जो है ये साइड नहीं आएगा, W वो साइड आ सकता है. तो सपोज करो यहाँ पे अगर मैं W लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पे W ले लिया, V से शादी करा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह खाली चाहिए, तो यहाँ पे एक जगह पे E आ गया और इससे शादी कर दिया D से. तो देखो इसके अकॉर्डिंग D का फादर इन लॉ बनना चाहिए W, तो क्या D का फादर इन लॉ W बन रहा है कि नहीं बन रहा है. हाँ बन रहा है. ठीक है, अब काउंट करो टोटल सेवन मेंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, राइट, हो गया. दो मैरिड कपल चाहिए, एक मैरिड कपल यहाँ हो गया, एक मैरिड कपल यहाँ हो गया, क्लियर. दोनों मैरिड कपल आ गए. हाँ सर. पजल बन गया, मतलब फैमिली ट्री हमारा बन गया. एक्चुअली पजल जैसा ही है ये भी, इसको उठा उठा के पुट करना होता है बस. तो बस ये हमारा बन गया, ये तो हो गया. सबका ऐसे बना था क्या, इसका जो इसका बना था? नहीं सर, मेरा अलग बना. हाँ सर. हाँ सर, बन गया. ऐसे बना था? हाँ सर. नहीं सर. हाँ सर. मेरा बन गया था. तेरा बन गया था. सर मतलब मेरा थोड़ा अलग बना था, बट सेवन मेंबर्स और दो मैरिड कपल ही आए थे, बट मैंने किसे किया था कि मैंने किसे किया था कि P का सन होगा W और W इज मैरिड टू E. ठीक है ठीक है, एक मिनट. P का सन होगा W, W एंड W इज मैरिड टू E एंड W का देन मतलब E का मतलब वो उसके बेटा होगा M, या बेटा या बेटी M होगी. M होगी. और एम शादी करेगा डी से. एम शादी करेगा डी से. डी से हाँ. तो फिर वैसे भी तो डब्ल्यू हो जाएगा ना उसका सन इन लॉ, बट एम एन एन अनमैरिड. अनमैरिड. अरे हाँ, राइट 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 राइट. क्वेश्चन पढ़ो. अब क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ो. पी स्टार्टिंग वो पी इज ग्रैंडमदर ऑफ एम. पी इज द ग्रैंडमदर ऑफ एम. एम मतलब N is brother of M. M is the N is the brother of M. यहाँ पे चलो, यहाँ यहाँ पे भी clear हो रहा है. चलो. And his mother is E. And his mother is E. And his mother is perfectly better दोनों. आगे बोलो. N and M are unmarried. Right, right. समझा. Okay sir, thank you. Sir, second person. देखो सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है, बताएगा क्वेश्चन में पढ़ो जरा, उसमें लिखा होगा, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा. एक मिनट रुको जरा, मुझे इसमें लिखा होता हूँ. सर आपने बोला हो और इमीडिएट पर्सन. हाँ सेकंड पर्सन ना. एक मिनट रुक जाओ, मुझे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन. एक मिनट रुको. हाँ देखो आपने क्वेश्चन लिखा है, प्रियंका मैम आपने क्वेश्चन लिखा है क्या, आपने क्वेश्चन लिखा है? नो सर. नहीं लिखा है. तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, WH, WH वाले जितने भी होते हैं, जैसे who हो गया, whom हो गया, which हो गया,
ये जो जिसकी बात करते हैं ना, तो ये जस्ट इमीडिएट पर्सन की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कोई रहता हूं रितेश थिंक वेल हु इज नाइस गाय, तो बताओ हु किसको बोल रहा है? हु जो होता है वो ऑलवेज लिविंग थिंग को बोलता है, याद रखना, और दैट जो होता है नॉन लिविंग थिंग को बोलता है, ये हमें पता है, राइट? तो अगर WH वाला क्वेश्चन आया हु हुम विच, तो जस्ट इमीडिएट पर्सन की बात होती है ना, तो वो हु हुम और विच की बात करते हैं, और एंड आ गया और इज आ गया, तो ये हमारा ऑलवेज फर्स्ट पर्सन की बात होती है। अब आप बोलोगे सर पहचानना कैसे, जैसे देखो कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दे दिया ए इज मैरिड टू बी हु इज सिस्टर ऑफ डी, मतलब समझो ए इज मैरिड टू बी, अभी हु किसको बोल रहा है बताओ? प्रियंका मैम क्या सर फिर से सर ए A is married to B, मैंने क्या बोला था? Whom, which, just immediate person की बात करता है, जो उसके just पहले वाले person की बात करता है या फिर second person की बात करता है, और and और is first person की बात करता है। तो अब इसको utilize कैसे करना है, समझना कैसे वो देख लो। A is married to B, देखो इसके पहले कोई भी sentence है मुझे पता नहीं, dot comma लगा दिया, तो dot comma के बाद पहला नाम किसका आ रहा है? A का आ रहा है। हाँ सर। तो ये फर्स्ट पर्सन होगा। इज मैरिड टू बी, बी की बात कर रहा था, ये सेकंड पर्सन होगा। हु इज सिस्टर ऑफ डी, तो ये थर्ड पर्सन होगा। फिर डॉट कॉमा लगा दिया, फिर डॉट के बाद किसी का भी नाम आए वो ऑलवेज फर्स्ट पर्सन होता है। तो समझो ए इज मैरिड टू बी हु, हु मतलब कौन? ए बी 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 ए होगा। प्रियंका देखो जस्ट, प्रियंका मैम देखो जस्ट पहले वाली बात चल रही है, ये मैंने बताया था ना, तो पहले वाली बात बी होगा, बी होगा is married to D, तो B हो गया। अगर suppose करो यहाँ पे and होता, A is married to B and is sister of D, तो and किसको denote करता? A को sir। And denote करता है first person को, तो A को denote करेगा। Simple, clear everyone? हाँ sir, अपने second person भी बोला था ना एक बार। कहाँ पे बोला था मैंने? क्या बोल रहे हो मैम? कुछ नहीं sir कुछ। चलो क्लियर है ना, आपको डाउट तो नहीं है ना? चलो आपका दो क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये तो हमने फैमिली ट्री बना लिया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। फैमिली ट्री सबको समझ में आया? किसी को डाउट था बताइए स्टूडेंट। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए आप लोग थोड़े से एक्टिव बन जाओ, प्रोएक्टिव एकदम, थोड़े से साथ घर पे बैठे बैठे एकदम सुस्त हो गए हो, थोड़ा फुर्ती उर्ती दिखाओ, कैसे काम चलेगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं। हाउ इज एम रिलेटेड टू डब्ल्यू, हाउ इज एम रिलेटेड टू डब्ल्यू, बताओ फटाफट फटाफट। सी एन डी। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड, वेरी गुड। हाउ इज डब्ल्यू एम रिलेटेड टू डब्ल्यू, एम क्या लगेगा? वेरी गुड। डब्ल्यू के अकॉर्डिंग एम क्या लगेगा? एम का तो जेंडर पता ही नहीं है, तो सी एन डी। How is V related to D? How is V related to D? क्या आएगा? Son-in-law. Son-in-law जिसने बोला उसने उल्टा देख लिया, एक्चुअली mother-in-law। मैंने बताया था कि how is D related to V बोला है, तो related to V बोला है, तो V के संदर्भ में A को देखना था। V के संदर्भ में जब आपने एक को देखा, तो V के संदर्भ में ये son in law नजर आ रहा है, इस son in law होगा इसने, अरे सॉरी, how is D related to V, how is D related to V मैंने बोला था। तो D के संदर्भ में V को देखना था, तो D के संदर्भ में जब V को देखा, तो D के संदर्भ में क्या हो गया? मदर इन लॉ दिख रहा है, तो मदर इन लॉ आएगा। उल्टा मत करना क्वेश्चन को, ठीक है? अभी क्वेश्चन लेता हूँ। हाउ मेनी पर्स, अरे तो दूसरा हो गया, चलो दो मत सही पाइए। चलो अगर मैं यहाँ से पूछूँ हु इज द ग्रैंडसन ऑफ वी,
N. अच्छा बताओ, only N, only M, both M N. N. सर क्वेश्चन का ना? Only N. Who is the only N son of son is the man? Only N. Only N. बताओ. सर CND आएगा ना? Who is the grand only N. ऑप्शन में सी एन डी सर एम एन और दोनों है बट एन ग्रैंड सन ऑप्शन पूरा देता हूँ ओनली एन ओनली एम बोथ एम एन ऑप्शन डी ऑप्शन ई डी अब बताओ अब क्या है सर ओनली एन आएगा ओनली एन सर बट ऑप्शन में सीएनडी होता तो क्या सीएनडी होता सपोज करो ई के जगह पे आ गया सीएनडी नहीं ई तो रहने दो बोथ निकाल दो सीएनडी डाल दिया अब बताओ क्या है सीएनडी आएगा ना अगर ऑप्शंस पूरे फिल हुआ है पूरे फिल हो गए सारे नाम से देन ओनली एन बट ऑप्शन फिल अगर नन ऑफ दिस भी दे दिया सीएनडी भी दे दिया तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप इसको टिक करो सीएनडी ना सर सीएनडी बोला है हु इज द ग्रैंडसन ऑफ वी तो आएगा सी एन डी क्योंकि देखो ग्रैंडसन एम भी हो सकता है बट हमें जेंडर पता नहीं था बट एन तो है दिख रहा है ना पूरा क्लियरली यस हां दिख रहा है सर ओनली एन ही आएगा सी एन डी नहीं है सी एन डी कभी आएगा जब ये एन की बात करेगा तो जब एन क्लियरली दिख रहा है कि वो ग्रैंडसन दिख रहा है तो सी एन डी कैसे आएगा नहीं आएगा चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एम हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू पी डब्ल्यू आएगा वो इसी मैटरनल मैटरनल होता है मम्मी के साइड में फादर कौन होगा तो देखो एम का मॉम कौन है ई है और ई का डैडी कौन है डब्ल्यू तो डब्ल्यू क्या होगा इसका ग्रैंडफादर होगा मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना लगेगा क्लियर एवरीवन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन ले लें इसके ऊपर कि कोडेड पे चले स्टूडेंट्स बताइए इसके ऊपर और क्वेश्चन चाहिए या कोड पे चले यस सर वन एक क्वेश्चन ऑन दी एक मिनट रुक जाइए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ और जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ये सब ये एग्जाम्स वाले क्वेश्चन हैं मतलब मैं कोई बाहर से नहीं ले रहा हूँ ये मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे एग्जाम्स में आते हैं चलिए क्वेश्चन मिल गया इसे मैं रब कर दूं क्या मैं इसे रब कर दूं यस चलिए यहाँ पे लिखिए देयर आर ओनली टू married couples in a 7-membered family. R is sister-in-law of S, who is the mother of V. U is
grandson of P? Who is the father of T? Q is the mother-in-law of S. Who is married to P? Solve kariye. Done, sir. क्या हुआ, किसी का बन रहा है? हाँ सर, हो गया. वेरी गुड ओंकार. बाकी लोग का बताओ, किसी का हुआ? अर्चना का हो गया. वेरी गुड. बाकी लोग बताइए. बाकी लोग का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर. चलो बढ़िया है. चलो सॉल्व करूं मैं. C
स्टूडेंट्स बताइए क्या मैं सॉल्व करूं? हाँ सर, चलिए सॉल्व करते हैं. देयर आर ओनली टू मैरिड कपल, दो शादीशुदा कपल है इन सेवन मेंबर, टोटल सेवन मेंबर में दो शादीशुदा कपल है. अब यहाँ से पढ़ो, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. आर क्या है? सिस्टर इन लॉ है किसका? एस का. तो एस का भाई होगा, उन्होंने शादी किया होगा फीमेल से, तो आर सिस्टर इन लॉ बनेंगे कि नहीं एस का, मुझे बताओ. अभी देखो यहाँ पे हु लिखा हुआ है, हु किसको बोल रहा है? एस को बोलेगा. क्यों? जो नजदीक में होता है उसको बोलता है, या तो फिर सेकंड पर्सन. आर यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन है, एस हमारा सेकंड पर्सन है, और या तो इमीडिएट पर्सन को बोलता है, मतलब एस की बात कर रहा है. तो एस इज द मदर ऑफ वी. तो एस क्या है? मदर है. किसका मदर है? वी का मदर है. राइट, समझ में आया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये यू है क्या? क्या है ये? मेरा आइटम मुझे नहीं समझता. यू इज ग्रैंडसन ऑफ पी. यू 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 है ना? ठीक है, जिसका हुआ वो बताइए मुझे कि ये यू था क्या? जिसका हुआ है बना के, वो यू था कि वी था, मुझे बताओ. फिर से क्वेश्चन. यू था, यू था ना. चलो, यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी, हु इज द फादर ऑफ टी. देखो, यू जो है ग्रैंडसन है, किसका ग्रैंडसन है? किसका ग्रैंडसन है? पी का. तो देखो, पी का ग्रैंडसन है यू. अब देखो यहाँ पे भी सर, आपने यू लिखा था कि वी लिखा था वो? सर वी से हो रहा है, वी है ना. मुझे ही नहीं पता चलता मुझे. चलो एक बार देख लेते, अगर देख ही लेता हूँ क्वेश्चन. बाकी लोग बताओ ना, जिसका बना था वो यू. सर यू से भी बन रहा है सर, सेवन पर्संस है ना फैमिली में, यू से बन रहा है ना, तो कंफर्म है ना. हाँ सर. चलिए फिर यू से बनाएंगे. तो देखो, यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी. अभी यहाँ पे हु की बात चल रही है, हु किसको बोल रहा है? पी को बोल रहा है या यू को बोल रहा है? पी को बोल, पी को बोल रहा है. तो पी इज द फादर ऑफ टी. तो पी क्या है? फादर है. किसका फादर है? टी का. टी का फादर है. बट टी, हमें एक बात बताओ, टी का जेंडर पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है? बताइए. नहीं, नहीं पता चल रहा है. तो ठीक है, अब टी यू का बेटा है यदि वो भी नहीं मालूम हमको, बट ये पता है कि पी का बेटा टी है और यू जो है ग्रैंडफादर है पी का. बट हमें ये भी नहीं पता कि या शायद टी का बेटा यू है, या इसका कोई भाई है उसका बेटा है, या इसकी कोई बहन है उसका बेटा, हमें नहीं पता. तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसा क्लू यहाँ पे ले लिया. क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस. क्यू देखो मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है एस क्या? तो एस यहाँ पर हमारा है ना, यहाँ पे गिवन है ना, मुझे बताओ. हम लोग यहाँ पे क्यू को ले लेते हैं, यहाँ पे मदर इन लॉ डायरेक्टली पुट कर देंगे, क्यू मदर इन लॉ बन गया. यहाँ पे हु किसको बोल रहा है मुझे बताओ? हु किसको बोल रहा है यहाँ पे? एस को. एस को बोल रहा है ना. तो इज मैरिड टू टी, हु टी ने मतलब टी से मैरिड किया यहाँ पे. तो देखो अगर सिस्टर हो, तो यहाँ पे सिस्टर हो रहा है. क्या हो रहा है? ब्रदर सिस्टर हो रहा है ना सर. साइन आर और टी के बीच का साइन, टी और एस. साइन साइन साइन, ठीक है सर. और आर और टी. एक मिनट. क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस. क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस. ठीक है, मैंने कहीं ना मिस्टेक कर दिया, एक मिनट रुको. आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस के ऊपर आएगा ना क्यू. एक मिनट रुको. आर इज द सिस्टर, हु इज द मदर ऑफ वी, हु इज द मदर ऑफ वी. यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी, हु इज द फादर ऑफ टी. क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस. क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस. ठीक है, देखो तो क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, मतलब क्यू ने किसी शादी किया होगा और उसका जो मॉम है उसका मदर इन लॉ बनेगा. ठीक है, क्लियर एवरीवन? यहाँ से किसी को डाउट है क्या? नो सर. देखो, क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस. नहीं समझा? देखो कैसे, कहाँ तक समझा ये बताओ. यहाँ तक समझा क्या? फादर ऑफ टी का समझा क्या? कहाँ तक समझा? अक्षता बताओ, किसको डाउट था? अक्षता आपको डाउट था ना? नो सर. निशा, निशा बताओ कहाँ तक समझा? सर वो क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस नहीं समझा मुझे.
देखो क्यू इज दी मदर इन लॉ ऑफ एच. देखो मदर इन लॉ मतलब होता है सासू माँ, तो एच का सासू माँ क्यू है. तो देखो एच तो हमें पता है फीमेल है, एच हमारा फीमेल है, तो एच का सासू माँ किसका होगा? एच ने शादी किया होगा किसी मेल मेंबर से, उसका मॉम होगा क्यू. तो क्यू हमारा यहाँ पे एच के अकॉर्डिंग मदर इन लॉ बना कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो हमने क्या किया, ये दोनों तो भाई बहन है आपस में, और ये एस क्या है, ये आर क्या है, इसका भाभी है. तो अब यहाँ पे तो इसको बना नहीं सकते, तो वहां पे हमने ले लिया, यहाँ पे किसी ने किसी शादी किया मेल मेंबर से एस ने, उसका मॉम क्यू है, तो एस के अकॉर्डिंग वो क्या बन गया, वो क्यू क्या बन गया, सासूमा बन गया. yes, और सासूमा को हम लोग मदर इन लॉ बोलते. क्लियर निशा? क्लियर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. और हु इज मैरिड टू टी, हु इज मैरिड टू मतलब हु किसको बोल रहा है, ये एस को बोल रहा है. तो यहाँ पे एस को बोल रहा है हु इज मैरिड टू टी, तो टी से शादी किया, टी से शादी किया. तो एक बात बताओ, टी का, टी से शादी किया तो टी का फादर कौन है, टी का फादर कौन है? क्लू में देखो, टी का फादर कौन है? पी. पी. तो पी है, तो यहाँ पे हम लोग पी को ले लेंगे. तो पी, और फिर पी का, और पी का वाइफ कौन है? क्यू हो गया. क्यू. राइट, क्यू हो गया. और पी का ग्रैंडसन कौन है? ग्रैंडसन कौन है? यू है. यू. एक बार यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. अब देखो एक मिनट रुको, कितना मेंबर बोला है? सेवन मेंबर. काउंट करो कितना मेंबर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये यू नहीं है, ये वी है. समझ में आया? हाँ सर. वी नहीं है, वी है. ठीक है ओमकार, यू से नहीं बन रहा है, वी से बन रहा है. अगर मैंने यू को, वी को यहाँ पे यू से लिया तो सेवन मेंबर की जगह पे एट मेंबर हो रहा है. कितना मेंबर चाहिए था? सेवन. अगर मैंने यू को लिया तो काउंट करो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8. बट चाहिए था कितना? सेवन. तो ये यू नहीं है, वी है, और ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, वी यहाँ पर आएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा. इसका ग्रैंडसन है वो, पी का ग्रैंडसन है. क्लियर एवरीवन? तो फिर एम्प्टी बॉक्स में क्या बिठाएंगे फिर? एम्प्टी बॉक्स में क्या बिठाएंगे फिर? क्या क्या बोल रहे हो ओमकार? सर आर के, आर, आर से शादी किसका हुआ है फिर? आर से कोई होगा ना लेने? सर आर और कुछ रिमेनिंग ही नहीं है सर. आर और सर वाटर से बोला है कि ओनली टू मैरिड कपल्स, तो यहाँ पे तो तीन मैरिड कपल्स. आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस ना. एस इज सर आर सिबलिंग. क्वेश्चन से करता हूं मैं, रुक जाओ. मैंने कहां से ढूंढा था क्वेश्चन, वो भी नहीं पता. सर आर नंदी हो सकती है इसकी. अच्छा रुक जाओ एक मिनट, मैं क्वेश्चन निकालता हूं. क्वेश्चन मैंने कहां से निकाला था मुझे याद भी नहीं है. टू मैरिड कपल सेवन मेंबर. आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. यू और आर दोनों लेके चलेंगे. देखो आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. आर क्या है? सिस्टर इन लॉ है. सिस्टर इन लॉ है किसका? सिस्टर इन लॉ है एस का. सिस्टर इन लॉ है. ठीक है. हु इज द मदर ऑफ सी. हाँ बोलो सर. एक आर को, आर की शादी क्यों करवा रहे हो? एस की शादी करवाओ ना. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, किधर आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. तो चलो अभी मैं इसकी शादी करवा देता हूँ, एस की शादी करवा देता हूँ. ये सपोज करो यहाँ पे इसका भाई है और ये इसने मैरिड किया एस से. ठीक है. तो भी सिस्टर इन लॉ बन रहा है, यहाँ पे भी सिस्टर इन लॉ बनेगा. ठीक है एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. यहाँ पे आर का भाई है, अरे कौन है यहाँ पे, भाई है और उसने शादी कर दिया इसका. ठीक है दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं और यू और वी का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. देखो हु इज द मदर ऑफ वी. हु इज द मदर ऑफ, हु किसको बोला है? एस को बोला है. ठीक है. हु इज द मदर ऑफ वी, तो ये वी का मॉम है और यहाँ पे भी वी का मॉम ले लेते हैं. दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग है, ध्यान रखना. ठीक है लेके चलते हैं. यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी. यू इज द, यहाँ पे बोर्ड विजिबल है, यहाँ पे दिख रहा है?
हाँ सर यू इज दी यू और वी मुझे पता नहीं है मैं दोनों ले रहा हूँ यू इज दी ग्रैंड सन ऑफ यहाँ पे कोई होगा उसका पी ग्रैंड सन होगा पी यू इज दी ग्रैंड सन मतलब ये दोनों ग्रैंड सन ही होगा बट यू और वी पता नहीं कौन है तो ये ग्रैंड सन हो गया पी का हु इज फादर ऑफ टी ये फादर हो गया किसका फादर टी का ठीक है बट टी यहाँ पर नहीं है कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्लू एज अ क्लू यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं बट यू और वी हमें पता नहीं है कि ये यू और वी है मुझे राइटिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे चलो क्यू इज दी मदर इन लॉ ऑफ एस क्यू क्या है मदर इन लॉ है एस का देखो अगर क्यू मदर इन लॉ है एस का अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका मॉम क्यू हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मदर इन लॉ हुआ कि नहीं मुझे बताओ ठीक है ठीक है अगर इसका शादी करा दिया हमने यहाँ पर तो इसका मॉम जो होगा इसका हस्बैंड का मॉम ये अलग अलग पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बीच में समझ जाना यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ ये अलग अलग है ध्यान देना तो ये इसका मॉम इसका मदर इन लॉ बना कि नहीं ये पॉसिबिलिटी राइट तो अगर टी यहाँ पे गिवन है तो टी का फादर कौन होगा पी तो ये यहाँ पर पी आ जाएगा और ये पॉसिबिलिटी में यहाँ पर पी आ जाएगा फादर और बोला है इसका ग्रैंडसन है यू और वी यू और वी अब एक काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छ यू से बन रहा है यू से बन रहा है तो ये ग्रैंडसन हो जाएगा यू और ये क्या हो जाएगा आपस में सिबलिंग्स हो जाएंगे अब ये पॉसिबिलिटी में देखते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और यू को लूंगा तो आठ हो रहा है बट यू ग्रैंडसन अगर ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो रहा है ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि टोटल मेम्बर सेवन है तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ये वाला बन रहा है लेकिन अगर मैं सपोज करो अगर ये वी की जगह पे अगर यू इमेजिन करता सपोज करो मैं सपोज करो यहाँ पे वी की जगह पे यू को इमेजिन करता बट यहाँ पे तो ऊपर नाम मेंशन नहीं किया है ना नाम मेंशन किया है एबीसीडी कुछ नहीं नहीं किया है तो ये यहाँ पे पुट नहीं कर सकते बाय रूल वो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते एक दो तीन चार पाँच छः सात मेंबर तो बन रहा है बट यहाँ पे पुट नहीं कर सकते और दूसरी बात बोला है ओनली टू मैरिड कपल तो वन टू एंड थ्री मैरिड कपल इसमें बन रहा है बट ये वाले पॉसिबल टू मैरिड कपल हो रहा है और एक दो तीन चार पाँच छह सात मेंबर बन रहा है और ये हमारा यू भी बन रहा है मतलब यू हो रहा है वी से नहीं हो रहा है दोनों है यू है हमारा क्लियर क्लियर की फिर से बताऊ स्लो मोशन में क्लियर है अगर चाहिए किसी को स्लो मोशन में बता देता हूँ फिर से बताओ किसी को नहीं सर क्लियर है फास्ट गया मैं ऐसा कुछ नहीं ना फास्ट था क्या मुझे बताओ ओ सर फास्ट था फिर से बताओ स्लो मोशन में नो सर समझा सर ठीक है नो सर क्लियर ना ठीक है देखो अभी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं सेवन मेंबर है दो मैरिड कपल है आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस हु इज मदर ऑफ वी जी का जेंडर अभी तक पता नहीं चला यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी हु इज द फादर ऑफ टी वो मतलब कौन पी फादर हो गया क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ एस यहाँ पे हो गया हु इज मैरिड टू टी मैरिड टू टी ठीक है अब मैं आपसे पूछू हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू फटाफट आंसर करो क्या पूछा सर हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू ग्रैंड मदर और अगर मैं पूछूं हाउ इज आर रिलेटेड टू एस सिस्टर इन लॉ सिस्टर इन लॉ हाउ इज एस रिलेटेड टू आर सिस्टर इन लॉ बात खत्म हो गई और Who is the grandfather, paternal grandfather of you? P. P. ठीक है अब इसमें तो क्वेश्चन अगर यही आ रहा है अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, If V is married to X, who is the male
member. So how is X related to T? क्या आंसर आएगा? Father in law. Son in law. Son in law. Son-in-law. Father-in-law कैसे आएगा? उल्टा बोल दिया आपने. If V is married to X, अगर V ने शादी किया X के साथ, but अभी भी gender पता चल रहा है क्या V और X का? Students बताइए. No sir. नहीं नहीं. आप देखो who लिखा है यहाँ पे, किसकी बात चल रहा है X की? Yes. Is the male member. अगर ये male हो गया तो automatically V क्या हो गया? Female हो गया. Female. हो गया? तो यहाँ पे बोल रहा है सो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू टी. टी के संदर्भ में एक्स को देखना था तो टी के संदर्भ में एक्स को देखो. सन इन लॉ. जब आप देख रहे हो एक्स को तो सन इन लॉ आएगा. सन इन लॉ. तो हमारा आंसर आएगा सन इन लॉ. ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये था हमारा तीन जनरेशन वाला और मैरिड कपल वाले कुछ क्वेश्चन थे हमें यहाँ पे हम लोगों ने सीखा. हमारा बेसिक हुआ है और ये मॉडरेट लेवल का हुआ है. अब नेक्स्ट टाइम हम लोग कोडेड सीखेंगे और देन पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन सीख लेंगे तो हमारा ब्लड रिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. और फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा सेशन लेक्चर जो होगा वो मतलब क्लास जो होगा वो नया बैच से स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? सर बट एक्स को ही मेल क्यों लिया, वी को क्यों नहीं मेल लिया? किसको पढ़ो ना मैम? आपने जो क्वेश्चन लिया है. हां वो किसको बोलते हैं? हां ओके ओके. हां सॉरी सॉरी गॉट इट. गुड. चलो क्या मैं रफ कर दूं इसे? हां सर. अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया सबको जितना भी क्वेश्चन लिया गया था? यस सर. चलिए तो आज के लिए आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं इवनिंग वाले लेक्चर में. और पजल का क्या क्या हुआ है कोई बता सकता है इवनिंग के बैच में? पजल का क्या क्या हुआ है सेटिंग का, तो कुछ हुआ है बता सकते हैं? ओमकर आप बैठते हो ना डेली? हाँ सर. हाँ सर एक सेकंड देख के. अनसर्टेन सर. सर्टेन सर्टेन अनसर्टेन चालू है. ये बताओ स्क्वायर हो गया था हमारा? सर्टेन अनसर्टेन. स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया था राइट? हाँ सर हो गया था. सर्कल हो गया था और टू पैरेलल रो वाला हो गया था राइट? हाँ सर. हाँ सर्टेन का एक ही क्वेश्चन हुआ था ना? हाँ सर. ठीक है तो आज हम लोग अनसर्टेन ले लेंगे और लीनियर वाले क्वेश्चन ले लेंगे और हो सकेगा तो लीनियर हो गया फिर ट्रायंगुलर वाले क्वेश्चन ले लेंगे. अगर ये हुआ पॉसिबल तो ट्रायंगुलर हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पूरा खत्म हो जाएगा. ट्रायंगुलर और हेक्सा लेके पूरा कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम लोग क्या करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के टू वेरियंट वाले एक दो लेक्चर्स ले लेंगे जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे जो हम लोग टू वेरियंट को कैसे टैकल करना है. तो सिटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन हम पजल पे मूव ऑन करेंगे. चलिए तो मतलब इवनिंग को हमें क्या लेना, अनसर्टन लीनियर और हो सकेगा तो ट्रायंगल और हेक्सा ले लेंगे हम. हो सकेगा तो टाइम बचा. चलो थैंक यू सो मच क्लास. थैंक यू सर. सर आफ्टर लेक्चर में नया चैप्टर चालू होगा ना? कल के मॉर्निंग के लेक्चर में आपका सेकंड हाफ में मतलब 7 to 9 रहता है ना, तो 8 बजे के बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा इनइक्वालिटी. और आफ्टर उनके में हमारा एक बाकी रहेगा, मतलब एक सेशन बाकी रहेगा कोडेड लेना और पॉइंटिंग क्वेश्चन. तो आफ्टरनून में ये हमारा कल आफ्टरनून में ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा. Okay. और इवनिंग में हमारा ये चलेगा, सीटिंग अरेंजमेंट चलते रहेगा और पजल. अगर आपको अटेंड करना है नया बैच से तो मॉर्निंग का आप अटेंड कर सकते हो. और सॉरी नया लेक्चर से अटेंड करो. हाँ तो ठीक है ना मैम, तो आप जो अपना ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा तो आप नया लेक्चर अटेंड कर सकते हो. सर कोडिंग डिकोडिंग खत्म नहीं हुआ है ना? कोडिंग डिकोडिंग खत्म नहीं हुआ अभी, वो अगले लेक्चर में कल के मॉर्निंग वाले लेक्चर में एक घंटा और चलेगा फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कोडिंग डिकोडिंग का 2-3 मार्क्स का बाकी है और न्यूमेरिक वाले 1-2 मार्क्स से कवर करने तो फिर खत्म हो जाएगा. इनइक्वालिटी मॉर्निंग में इनइक्वालिटी चालू होगा. अगर आफ्टरनून में हमारा ब्लड रिलेशन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे आफ्टरनून में सिलोक्स ले लेंगे, तो सिलोक्स स्टार्ट कर देंगे. क्लियर?
सर वो अड्डा सर एक मिनट सर वो प्रैक्टिस के लिए अड्डा 247 का वो मैम को मैंने बताया था वो वही लेना है ना मतलब प्रैक्टिस के लिए हाँ वो बुक आपने भेजा था ना कुछ तो बुक भेजा था फोटो निकाल हाँ सर हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था बहुत सारे वो हाँ सर वही लेना है ना मतलब हाँ वही लेना है वो अड्डा का एस का करके आता है एस करके ऐसा कुछ आता है ऐसा रीजनिंग करके तो वो लेना है हाँ सर ओके और सर डिकोडिंग और कोडिंग के लेक्चर में मैं बैठी नहीं थी मतलब तो हाँ सर जरा मतलब तबीयत खराब है ना तो मॉर्निंग का लेक्चर सर अटेंड ही नहीं कर पा रही आवाज नहीं आ रही प्रियंका आवाज नहीं आ रही क्या बोल रहे हो सर कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया ना सर जरा तबीयत खराब थी इसीलिए तो यूट्यूब मतलब आप फिर से पढ़ाए नहीं नहीं फिर से पढ़ाना है नहीं मतलब अभी नहीं मतलब जब आगे सर्कल चलेगा तो पढ़ा दूंगा ओके सर हां सर थैंक यू चलो क्लास मिलते हैं बाय सर टेक केयर एवरीवन थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सर